बैठो एंड डोंट वरी अबाउट हिम। ये छोटे छोटे लोग हमें गुर्बत का वास्ता देकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप क्यों पीछे पड़ी रहती हैं मिट्टू खाला के? माना आपकी नंद है, वो भी सबसे बुरी नंद आपके लिए, लेकिन जान छोड़ देना उनकी। बस बीबी मेरे मामले में तो तुम बोलना मत। हाँ क्या कर रहे हो तुम? बाजवा आए हुए हैं, लेकिन आओ ना, आकर उनसे मिलो ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो लड़की। मैं तुम्हारा रिश्ता कर रही हूँ उससे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? देखो जुबैदा, हर चीज में बिजनेस तलाश नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे बच्चों की शादी का मामला है बाबा, एक माँ बन के उनकी शादी के बारे में सोचो। लीजा, तला से कह देना कि उसकी मर्जी नहीं चलेगी। मामा नाश्ता। बस भाई, भाई नाश्ता कर ले भाई। अयान बहुत गड़बड़ हो गई है, मामा भाई की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, जस्ट बिकॉज वो गरीब लड़की है। अरे लीजा, अरे भाई ये महाज है हमारा, तुम एक काम करो, तुम बस भाई का साथ दो, हमें इस जंग को इसी महाज से जीतना है, समझी तुम? क्योंकि अगर भाई की शादी ना हुई तो फिर समझो कि हमारी भी शादी नहीं हो सकेगी। तुम समझ रही हो मेरी बात? प्लीज तुम दुआ करो सब ठीक हो जाए। हाँ मेरी तो यही दुआ है, बाकी करने वाली तो अल्लाह की जात है ना भाई। वो तुम्हारी फ्रेंड की शादी में जो लड़की आई थी ना, प्लीज मुझे उसका पता चाहिए, प्लीज। क्यों भाई, क्या करना है? शादी करनी है। आकर उनसे मिलो ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो लड़की। मैं तुम्हारा रिश्ता कर रही हूँ उससे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? भाई चाय पियेंगे? I'm sorry Lisa, I'm really sorry. भाई क्या बात है भाई, भाई बताए तो भाई। अपने भाई को बता देना कि इतवार के रोज हम मिसेस बासित के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जा रहे हैं। सुना तुमने? मामा भाई अमेरिका चले गए।
जी बाजवा बोल रहा हूँ। बाजवा, तुमने तलहा को क्या कहा था? जी तलहा से तो मेरी बहुत सारी बातें हुई। मसलन? मसलन ये कि वो पुरानी फिल्म है ना पेजू बावरा, उसके सीन डिस्कस किए हैं, मुगले आजम के गाने गा के सुनाए हैं उसे। ओ स्टॉप इट, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या कहा है तुमने तलहा को? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, फरमाइए हुआ क्या है? मसला ये है कि मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है। ओह गुड, माशाल्लाह, मुझे यकीन था आप ऐसा ही करेंगे, इतनी बड़ी आसामी को आप हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन मिसेस वकार, लेकिन वो तो अमरीका चला गया है ना, मुझसे मिले बगैर, मुझे बताए बगैर जलील कर दिया ना मुझे, उसी तरह जिस तरह उसका बाप मुझे जलील करता था और तुम हमेशा उसकी साइड लेते थे। तुम सब मत एक जैसे हो। आपके बच्चों की फेवर नहीं, आपकी फेवर है, आप कब समझेंगी? माशाल्लाह मुख्तार अहमद भैया, तुमने घर तो माशाल्लाह नया खूब सजाया है, मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तेरा शुक्र है अल्लाह मियां, आहा दिल खुश, पौधे भी रखे। बस जी आओ बैठो, बुरा मत मानना मेरे भैया, तुम कुछ नहीं जानते। और ये जो तुम्हारी आदत है ना घर में घुसे रहने की, ये बहुत ही बुरी आदत है। ये बताओ चंद रिश्तेदार जिंदा रह गए हैं, अगर मिलोगे जुलोगे नहीं तो हमारे पप्पू का ब्याह कैसे होगा? रिश्तेदारों में एक तो आप हैं और दूसरे वो जहां आ रहा। देखिए बुरा ना मानिएगा, आप तो घर में टिकती नहीं और भतीजी के घर बार बार जाना हमें अच्छा नहीं लगता। अरे कौन सी सगी भतीजी है तुम्हारी? आप तो जानती हैं कि बेटियों के घर का हम पानी तक नहीं पीते। अरे मनहूस तो पानी पीने को कौन कह रहा है, अपनी पानी की बोतल साथ में जाया करो। देखो मुख्तार अहमद, लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं तो हमारे पप्पू के गुण कैसे खुलेंगे उनके ऊपर? मैंने तो जहाँ आरा के कान में बात डाल दी है कि अपने पप्पू की शादी तुम्हारी रबाब से करेंगे। अरे सच कह रही हूँ चंदा। चल हट, मैंने कभी झूठ बोला है? देख इस बात को इस तरह समझ ले कि मैं घोड़े को दरिया तक लेके तो जा सकती हूँ मगर उसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकती। ए पप्पू से कहो वहाँ आता जाता रहे। अरे चंदा आपा, मैं तो आज ही पप्पू से कहूंगा कि वो उनके घर चला जाए। मगर ये रह कहाँ गया, कह रहा था बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगा। लीजिए वो आ गया। सलामुअलैकुम, वो ले आया गरम गरम समोसे और पकौड़े और जलेबी भी। अब्बा चाय नहीं बनाई? बाबला हुआ है, अब्बा चाय बनाएगा? हम तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं ना। लुटिया डुबो दी मुख्तार अहमद, तुमने हद कर दी। इससे तो अच्छा था कि दूसरी शादी खुद कर लेते। किसने नहीं करने दी ना? मैंने क्या नहीं करने दी, बता दू फोन खोल दू किसने कर लेते शादी। चल बस बस जाके चाय बना, चाय बना, चाय बना, शादी करेंगे शादी। बेहया चन्ना आपा, पप्पू बहुत ही सुगर है। अरे ये रबाब को सारी घरगृहस्थी सिखा दे। बात को टालो मत, ये बताओ शादी किससे कर रहे थे? ऐसी कोई बात? अरे जन्म के झूठे हो, तभी तो मुझे झूठा कह रहे हैं। हटो लजारे। जी मामा, अपने भाई को फोन करो और कहो कि मैंने उसे बुलाया है, वो मेरी हैसियत को चर्च करना चाहता है, बुलाओ उसे। मामा भाई इस वक्त प्लेन में होंगे और अपनी ख्वाहिश का इजहार करना आपकी हैसियत को चैलेंज करना नहीं। शट अप! अगर वो मुझसे जंग करना चाहता है तो उसे बता दो कि हार उसी की होगी। वाह 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 मिसेस वकार, वाह, जितनी भी दाद दे कम है। इस तरह का महाज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। वैसे जहां दोनों तरफ एक ही शख्सियत, एक तरफ तुम खुद हो और दूसरी तरफ तुम्हारा अक्स। अब देख लो दोनों सूरतों में हारना तुम्हें ही पड़े। मैंने हारना नहीं सीखा बाजवा। हारना कोई सीखता थोड़ा ही, वो तो बस हार जाया करता।
इंसान जब आईने में अपना अक्स देखता है और उससे झगड़ता है तो उसे आईना तोड़ना पड़ता है। अब तुम जितनी बार आईना देखोगी तुम्हें अपना ही अक्स दिखाई देगा। अब सोच लो मिसेस वकार, कितने आईने तोड़ोगी तुम? तुम फिर आ गए ना बकवास करने, फिर आ गए ना मेरा भेजा खाने के लिए। तलाब मेरा बेटा है, जो मैं कहूंगी वही करेगा वो, सुना तुमने? फोन लगाओ उसे। वैसे तुमने चढ़ाया है ना उसे? काश मुझे इतना वक्त मिला हो। लीजा उसने इस तरह जाके अच्छा नहीं किया बेटा। फोन फोन मिलाओ, बुलाओ उसे। इसके कहने पे नहीं आएगा, मैं उसे जानता हूं। रबाब खाना लगा दिया? लगा रही हूँ अम्मा। अरे तुम क्यों लगा रही हो, अभी कॉलेज से आई हो? मैंने रबाब से कहा था खाना लगाने को। कोई बात नहीं ना। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। और वैसे भी बस आप रहने दें, एक घंटे से मैं उन्हें कह रही हूँ, वो बार बार यही कहे जा रही है कि एक सफर रह गया, एक सफर रह गया। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ, वरना लोग भूख से मर जाएंगे। देख लिया से देखी, मना करती हूँ ना उसे किताबें और रसाले मत ला कर दिया करें। अरे भाई मैं तो अदबी किताबें ला के देता हूँ उसे, उसके काम आएंगी। पहले अदब आदाब तो सीख ले, फिर अदबी किताबें भी पढ़ लेगी। कोई घर का काम काज वो नहीं करती, ना कोई सिलाई ना कढ़ाई, और काम ऐसी काहली से करती है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए बस। और चंदा आपा उसे देख देख कर कुटती है। उनको तो हर बात में वैसे ही कुटने की आदत है अबू। बदतमीजी मत करो और चलो जाओ बहन के साथ खाना लगाओ। ये कहाँ है तुम्हारी चंदा आपा, नजर नहीं आ रहे? वो कहीं गई नहीं। मुझे ना मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। क्या करनी है बेटा? सारी किताबें पुरानी हो गई हैं, अपनी मर्जी की किताबें लूंगी। फजूल बातें मत करो, जहेज में तुम्हारे साथ किताबें नहीं जाएंगी। घर के काम काज किया करो, सिलाई कढ़ाई किया करो। ससुराल जाओगी तो हमें बदनाम करोगी। चलो जाओ जाओ बहन के साथ खाना लगाओ जाओ। अब तेरे साले ने नहीं गर्म किया तुमने? देख लिया, अब बहन के साथ बोलेगी। कोई काम खुद भी कर लिया करो। हाँ तो इतनी देर से लगी, कर नहीं सकती क्या? मेरा फोन भी नहीं उठाता, उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं। देखो जुबैदा, तुम्हारे दोनों बच्चे तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं यार, तुम्हारी हर बात तो मानते हैं, लेकिन औलाद इसलिए तो नहीं होती ना कि सिर्फ अपनी ही बात मनवाई जाए, इसलिए भी होती है कि उनकी बात भी मानी जाए। अब देखो तुम्हारा एक ही बेटा है, एक ही बेटी, अगर वो अपनी शादियों के बाद खुश नहीं रहेंगे तो तुम भी तो खुश नहीं रह सकोगी ना। वो खुश रहेगा बाजवा, ये बात नहीं है कि शुमाइला एक दौलतमंद लड़की है, वो एक अच्छी तबीयत की मालिक भी है। मानता हूं तुम ठीक कह रही होगी, अच्छी तबीयत की होगी, लेकिन जिस लड़की को तलहा पसंद करता है तुम उससे मिली हो? नहीं। फिर अपना आप उसमें मुसल्लत ना करो ना यार। देखो क्या पता वो लड़की शुमाइला से ज्यादा अच्छी हो। लीजा की शादी हो जानी है, उसने अपने घर चले जाना है। तलहा अगर खुदा ना खास्ता वापस ना लौटा तो तुम तन्हा रह जाओगी, और ये अकेलापन बहुत खौफनाक चीज है बाबा। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि
मैंने सारी जिंदगी तन्हाई काटी है। शादी क्यों नहीं की तुमने? इसलिए कि जिसे मैं पसंद करता था वो मुझे नहीं मिली। इसका मतलब है कि तुमने माँ बाप के सामने हथियार डाले ना, तो फिर तलहा मेरे सामने हथियार क्यों नहीं डाल देता बाजवा? गलत सोच रही हो तुम, मैंने किसी के सामने हथियार नहीं डाले। बस जिसे मैं पसंद करता था उसने मेरे दोस्त से शादी कर ली। अब मैं नहीं चाहता कि तलहा मेरी तरह तन्हा रह जाए। देखो सुबैदा, देखो वो सब कुछ वाइंड अप करके वापस आना चाहता है, उसे वापस आने दो ना यार। प्लीज लेट हिम कम, लेट हिम। पता है मैं तो इसे ससुराल ही नहीं जाऊंगी, ना मुझे इतने दर्जनों बर्तन मांजने पड़े। हाँ नहीं तो के जीप सारा अदब अदाब और सलीका किचन तक ही रह जाता है। कहा भी था मत जॉब करने दे, वो भी नहीं करने दी। वो आप ही, जब आपको पता है तो आप बार बार बहस मत किया करें। और आप भी ना बहुत हद करती हैं, हर वक्त अफसाने और नॉवेल्स पढ़ती रहती हैं। अगर किसी दिन अब्बा को पता चल गया ना कि आप अदबी के बजाय रोमानी नॉवेल्स पढ़ती हैं, तो फिर अच्छा बस ज्यादा दादी ना बनो, मैं आप ही हूँ तुम्हारी। मसूर की दाल लिख ली, अरहर लिख लूं? नहीं पड़ी हुई है। साबुन लिख लिए सारे? हाँ लिख लिए। अच्छा इलायची, सबज इलायची जरूर मंगवाना, लिख दो। तंग आ गई मुस्कावे से। जोहा देखो तो कौन आया। अच्छा तुम नहीं पीना ना, बाकियों ने तो पीना, लिखो। सलामुलेकुम पप्पू भाई आप? हाँ वो चंदा खाला भी आ रही है, पीछे आ रही है। अरे वाह आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। टी-शर्ट कहाँ से लिया आपने? ये मैंने वो इतवार बाजार से लिया, देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है। नहीं है, लग भी रही है। आप अभी आ गई चंदा खाला। हाय लाए मुझे दे। जीत के रहो अदा चंदा खाला, जीत के रहो। कुर्सी आगे कर। आदाब, जीत के रहो बेटा। ये देखो ये तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ। ये क्या है? चीनू? हाँ। इस मौसम में? क्यों? अरे पप्पू हैं, हम चाहे तो बिन मौसम फूल और फल दोनों खिला सकते हैं। क्यों? बाद में लिख लूंगी सौदा। अच्छा अब्बा नहीं आए तुम्हारे पप्पू? वो बढ़िया पा, वो अब्बा तो आ रहे थे, असल में एंड टाइम पे वो दोस्त आ गए, उसमें मसरूफ हो गए। वो वैसे कल आएंगे, आपसे जरूरी बात करनी है उनको। अरे बेटा कम बोला कर। पप्पू भाई और क्या करते हैं आप? अरे वो ना मैंने पता है क्या किया, मैंने घर के अंदर ये किवाड़ खोल के ना बाहर पिंसारी की दुकान लगा ली। बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ मैं। अब्बा तो बहुत खिलाफ थे शुरू में, जब उन्होंने काम चलता देखा तो वो भी राजी हो गए, बोले वाह पप्पू वाह, हैं बिजनेस का बिजनेस, घरदारी की घरदारी। अच्छा दुकान देखने और घरदारी के अलावा और क्या करते हैं आप? वो तो हम ठेले से पुराने रिसाले खरीद के ना पढ़ते हैं। कहाँ पप्पू, तेरा बाप मुख्तार अहमद घर में अकेला होगा, जा। अच्छा बड़ी आपा चलता हूँ फिर, आप जवाब का कभी लेके आइएगा ना घर में। मेरी बेटियां घर से बाहर नहीं जाती, घर में बहुत काम होते हैं, और वैसे भी सिद्दीकी को पसंद नहीं है अपनी बेटियों का घर से बाहर जाना। अरे बढ़िया पा वो तो देखिए ना एक दिन जवाब को तो घर पे। पप्पू, अरे बेटा तेरा
बाप क्या नाम है उसका? कमबख्त मुख्तार अहमद, वो अकेला होगा, जा तू घर। अच्छा मैं चलता हूँ, आजाब। अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ, किलू दे देना रबाब। रबाब दरवाजा बंद करके जाना। जोहा अंदर जाओ। चंदा आपा, जब सिद्दीकी ने मना कर दिया है तो फिर क्या जरूरत थी इसे यहाँ लाने की? अभी यहाँ आ रहा, तुम तो बिल्कुल बावली हो गई हो, क्या मुझे नहीं पता था? अरे मैं अकेली आ रही थी, इतने अखलाक से बोला कि खाला मैं आपको छोड़ के आता हूँ। क्या उस यसीर का, यसीर कहते हैं जिसकी माँ नहीं होती, उसका मैं दिल दुखाती है? मेरे लिए तो अपना बेटा जैसा है, मैं उसे दुख देती? आई बड़ी माँ से अत्तामा बन के मुझे नसीहतें करने। मैं मिसेस बासित को क्या जवाब दूं? उनसे ये कहूं कि मेरी अपनी ही औलाद मेरे काबू में नहीं है? मामा, मिसेस बासित, उनको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर आप उनको कहेंगी कि भाई को कोई और पसंद है? कोई जबरदस्ती तो नहीं है? और वैसे भी उनका आप पर कोई एहसान नहीं है जिसकी वजह से आप पे कुछ प्रेशर हो? मुझ पर किसी का कोई प्रेशर नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरा मान तोड़ा है। भाई का भी तो मान टूटा है, वो हमेशा यही कहते हैं कि मामा मेरी पसंद की कभी मुखालफत नहीं करेंगे। तुमने उस लड़की को देखा? सारा की मेहंदी पर आई थी वो। सारा की मेहंदी पर? भाई ने वहीं देखा था उसे। खाना तो शुरू करो। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं। मुझे भी भूख नहीं। नोरी उठा लो ये सब कुछ, कोई कुछ नहीं खाएगा। देखो क्या पता वो लड़की शुमायला से ज्यादा अच्छी हो। लीजा की शादी हो जानी है, उसने अपने घर चले जाना है। तलहा है ना, सोचो अगर खुदा ना खास्ता अगर वो वापस ना आए तो तुम तन्हा हो जाओगी ना। औलाद इसलिए तो नहीं होती ना कि सिर्फ अपनी ही बात मनवाई जाए। आयान, आई डोंट थिंक सो कि मामा मानने वाली हैं। अरे कैसी बातें करती हो तुम, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर मैं। आयान मैं क्या करूं, जब तक भाई वाला मामला हल नहीं होता मैं कुछ नहीं कह सकती। अब नाउ दिस इज नॉट फेयर भाई, बहुत मायूस कर रही हो तुम मुझे। आयान मैं मजबूर हूँ। अच्छा सुनो, तुम कल यूनिवर्सिटी आ सकते हो? नहीं मैं नहीं आ सकता, तुम्हें बताया था ना कि दुबई में मेरी बहन रहती, उसकी तबीयत कुछ खराब है, मुझे सुबह की फ्लाइट से वहां निकलना है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा मैं। आयान तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता तुम्हें, मुझे तो खुद अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। गॉड वापस कब आओगे? अरे पता नहीं बा, देखो फोन करके बताऊंगा तुम्हें। बस दुआ करो कि हमारे भाई का मामला निपट जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शादी ही हो जाए। आई होप सो। ओके बाय। अम्मा को जो लग रहा है ना वो होने नहीं दूंगी मैं, तुम देख लेना। जाके कह दो अम्मा से मर जाऊंगी, उस पप्पू से शादी नहीं करूंगी मैं। पप्पू भाई का भी नाक नक्शा अच्छा खासा है, रंग भी खासा साफ सुथरा है, पता है घर गृहस्थी के माहिर है। बस थोड़ी सी डाइटिंग की जरूरत है, वो आप करा देंगी ना तो बिल्कुल आपके अफसानी हीरो लगेंगे। अरे वाह, ये तो मैं तुम्हारे लिए वैसी करवा दूंगी, शादी पर तुम पप्पू से कर लेना। है वो मेरी बाप की उम्र के हैं? तो मेरी बाप की उम्र के नहीं है क्या? नहीं, आप मुझसे 4 साल बड़ी हैं और मेरा वोट तो पप्पू भाई की तरफ है। सुनो, 4 साल में तुमसे बड़ी हूँ, पप्पू से नहीं, समझी? कह रही हूँ अम्मा से जाके कि तुम्हें शादी से इतराज कोई नहीं है। आई बड़ी
मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ। हाँ, अम्मा भी भाई कहती थी। जहाँ आरा देखना, हमारी दोनों बेटियों के रिश्ते बड़ी अच्छी जगह पे होंगे इंशाल्लाह। मगर कब होगी सिद्दीकी? मुझे जोहा की तो कोई फिक्र नहीं, वो तो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मगन रहती है। मगर रबाब, उसको तो ना कोई पढ़ाई से दिलचस्पी है और ना कोई घर गृहस्थी से मतलब, और रही सही कसर आपकी लाई हुई किताबों ने पूरी कर दी है। बस दुआ करें ऊपर वाले से कि उसके लिए कोई जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा, अभी दुआ कर लेते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, मेरी बेटी रबाब के लिए अच्छा सा रिश्ता भेज दे, आमीन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सिद्दीकी, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती, हर वक्त यही डर लगा रहता है कि जवान बेटी। देखो देखो देखो, अब तुम ज्यादती कर रही हो, तुम्हारी बेटियां इतनी भी बेबाक नहीं है कि तुम्हें रातों को नींद नहीं आ रही। नहीं नहीं सिद्दीकी, बात बेबाकी की नहीं है। देखो, अभी हमने दुआ की, अभी कबूल भी हो गए, हमारी बेटी का रिश्ता आ गया। आप फिर मजाक करने लगे? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मिसिस शेराज रबाब का रिश्ता लेकर आ रही है। सच? लेकिन आपको कैसे पता चला? पता नहीं चला, शेराज साहब मेरे पास खुद आए थे, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत भले इंसान है, कहने लगे कि मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहता हूँ, कब आऊं? मैंने कहा जी जब आपका दिल चाहे आप आ जाए। हाय सिद्दीकी, ये तो आपने मुझे बहुत ही अच्छी खबर सुनाई, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का आएगा ना साथ? अगर कह देंगे तो आ जाएगा। हाँ, आप कह दीजिएगा कि लड़के को भी साथ लेकर आए, वो रबाब भी देख लेगी खुद लड़के। चलो मैं उन्हें फोन पर कह दूंगा, उनको जरा पूछ लीजिएगा कि कब आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो सुकून से सो जाओगी ना। हाय देखिए, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि बस मैं तो हल्की फुल्की हो गई। चलो अपनी दुआ कंप्लीट करो, मैं भी सोने की तैयारी करूँ, थक गया हूँ। बस थोड़ा सा रह गया मेरा। अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। आपी आ जा रहे हैं वो लोग। शहजादी अंकल का बेटा बिल्कुल शहजादों जैसा है, लंबा चौड़ा, नैन नश्क, एकदम खड़े। तुमने देखा उसको? नहीं, अब्बा बता रहे थे, कह रहे थे बहुत पढ़ा लिखा है, बैंक में काम करता है, शायद ऑडिटर है। खट्टा नहीं भाई, पता है एकदम रुका भी होगा, कुछ मिजाज, पाई पाई का हिसाब लेगा मसा ना। जाहिर है वो तो मांगेगा, अब अगर आपको कोई शायर, अफसाना निगार, नोवेल निगार चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। मामा एक मिनट पॉज करें। ये जी, ये वाली, ये राइट वाली जी, रबाब। माशाल्लाह, लड़की तो खासी खूबसूरत है भाई। है ना, खूबसूरत तो है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि कैसी तबीयत की है, खानदान कैसा है, कैसे लोग हैं, इससे पहले कि पता ना चले तो रिश्ता कैसे दिया जा सकता है। देखिए, शादी तो एक जुआ होती है मिसेस वकार, अब आपको क्या बताओ कि शुमाइला शादी के बाद कैसी निकले। अब तो तलहा को पसंद है यार, इतना काफी नहीं है, मेरा ख्याल तुम्हें जिद नहीं करती चाहिए। मामा वैसे सारा बता रही थी कि रबाब अच्छी तबीयत की लड़की है और इसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। बाप क्या करते? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पता कर लूंगी। शादी तुमने लड़की से करनी है या बाप से, यार उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करता हूँ। बाजवा फर्क पड़ता है, ब्याह के वो यही आएगी ना हमारे घर, तो पता तो चले कि किस स्टेटस के लोग हैं। स्टेटस के चक्कर में रहिएगा आप, इसी चक्कर में आपने अपनी जिंदगी भी बर्बाद की। और बाजवा बस, सॉरी, पता करो बेटा कैसे लोग हैं, कहाँ रहते हैं और किस खानदान से ताल्लुक है,
सब कुछ पता करके मुझे बताना। पता करो बेटा, किस तरह के लोग हैं, लड़की के बारे में पता करो, क्या खाती है, क्या पीती है, किस वक्त सोती है, किस वक्त जागती है, आलू गोश्त अच्छा बनाती है या नहीं तो पता करना जरूरी है। अंकल मैं आपको और दिखाऊं? दिखाओ भाई, अच्छी वाली लड़की है। पता नहीं तुम्हारी मामा ये छोटी छोटी बातें क्यों देखती है। खानदान कोई भी है तो गैर, तो भैया गैरों में बेटी जाते बहुत डर लगता है। बिट्टो की नंद की बेटी की शादी हुई तो थी गैरों में, 3 साल में टीवी लगा दी ससुराल वालों ने। सुना है शिराजी की 3 कुआरी बेटियां और है। अल्लाह की कसम अगर बिट्टो पे कोई चली गई ना तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। तौबा करे चंदा आपा, कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करें, जरूरी नहीं कि सबकी नंदे बिट्टो जैसी हो। है भैया तुम्हारी मर्जी, मेरे दिल में तो एक बात आई थी वो मैंने कह, और सच्ची बात यह है कि हमारे पप्पू जैसा लड़का। खुदा का वास्ता है चंदा आपा, रबाब अपने बाप से कह चुकी है कि अगर पप्पू के साथ उसकी शादी। अगर रबाब की बात बांधी तो सारी उम्र सर पे हाथ रख के रोगी बनो। ठीक है चंदा आपा, फिर भी आपके पास नहीं आऊंगी। जा रहा जी, जा रहा। लो भाई जो जो कुछ मिला है मुझे, मैं ले आया हूँ, अब जल्दी से तैयारी कर लो, वो लोग आने वाले होंगे। हाँ बस तैयारी तो सारी तो है। तो ना, ये तुमने टमाटर भी नहीं काटे अभी तक। सलाद बन रहा है। कमाल है। हाँ, ले आपा, एक गरम गरम पान तो खिला है। गरम गरम हाँ बेटा कैसी लगी तुझे? अरे अब्बा, रुबाब तो मुझे ऐसे देख रही थी कि बस ना पूछो, मैंने तो कभी ऐसे देखा ही नहीं था उसको। मेरा मतलब है कि मैंने गौर से नहीं देखा ना आज तक। बेटा मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि सिद्दीकी की बेटी हमारी बहू भी बन सकती है। देखो चंदा आपा को मैंने कभी लिफ्ट नहीं कराई, और अब वही हमारे काम आ रही। वो मैंने तो सोच लिया चंदा हाला को यहीं ले आएंगे, हमें क्या मालूम शादी की तैयारी कैसे होती है, वो सब कर लेंगी ना। एक बात है, रुबाब ना बहुत सुग्घर लड़की है। अरे जहां आ रहा सिद्दीकी ने अपनी बच्चियों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, बस अब दुआ करो कि ये रिश्ता हो जाए। ठीक है, क्या कर रहा है? बात दुआ कर रहा हूँ ना। बड़ी अच्छी बात है। मेरे प्यारे अल्लाह मियां, मेरी और रुबाब की जल्दी शादी करा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आईने पे आ गई आमीन समा रही हूँ। भाई ग्रेट न्यूज, मामा मान गई। रियली? दैट्स ग्रेट, वाओ। बस भाई अब आप फौरन वापस आ जाएं। लीजा मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता, यूं करो कि माँ को लेकर रबाब के घर चली जाओ और रिश्ता तय कर दो। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वाइंड अप करने में, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। भाई हम ऐसे कैसे रिश्ता ले जाएंगे, वो आपको भी तो देखेंगे ना, और फिर लड़की के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए, वो आपके बगैर कैसे होगा? कम ऑन लीजा, मुझे सिर्फ लड़की से शादी करनी है बस, बाकी सब कुछ मुझे मंजूर। भाई मुझे ना डर लग रहा है, मामा को अभी तक मालूम नहीं है कि वो लोग गरीब हैं और फ्रेजिल भी एरिया में रहते हैं, पता नहीं वहाँ का सुन के जाएंगे कि नहीं। Come on darling, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं बाजवा अंकल से सारी बात कर लूंगा, बस तुमने सिर्फ इतना करना है कि बाजवा अंकल को अपने साथ लेकर जाना है, और प्लीज माँ को एक बात साफ साफ बता देना कि अगर मेरी शादी रबाब से ना हुई ना तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ओके भाई, आई विल, यू टेक केयर, और मैं सारी खबरें आपको ईमेल करूंगा। ओके अल्लाह हाफिज़। बाय। वाओ भाभी, रुबाब तो हमें बहुत पसंद है,
मैं कब से इनसे कह रही हूँ कि बस अब आप जल्दी से रिश्ता पक्का कर दें। ये लो, ये तो वही बात हुई हथेली पे सरसों जमाने वाली। देखें, आप लोग अब रिश्ता लेके आए हैं तो हमें भी तो टाइम चाहिए सोचने का, समझने का। क्यों सिद्दीकी? और हाँ, लड़का तो आया भी नहीं, ये बगैर देखे रिश्ता पक्का होने की बात आपकी समझ में आई कैसे? अरे नहीं चंदा अब्बा, जुहेब मेरा देखा भाला लड़का है। हाँ सिद्दीकी, तुम्हारा देखा भाला होगा, हम भी तो देखेंगे। वो भाभी, जुहेब जरा ऑफिस से देर से आते हैं। मैं घर पे बच्चियों से कहकर आई हूँ कि जैसे ही जुहेब आए ना, उसे इधर भेज दीजिए, बस वो आने वाले होंगे। अच्छा, अब भाभी बच्चियाँ नहीं आई? बच्चियों को दरअसल कहीं आने जाने का शौक नहीं है। हैं? लो बताओ। है, अपने सगे भाई के रिश्ते में भी कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? चंदा बाप। हाँ भाभी, मैं बच्चियों को लेकर आती हूँ। और सुनाए शिराज साहब, काम वाम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय आपी, आप तो बिल्कुल नॉवेल की हीरोइन लग रही हैं। तौबा ए ज़ुहा, तुम तो तारीफ भी ऐसे करती हो कि लगता है तंज कर रही हो। ओफो, मैं क्यों तंज करूंगी, हकीकत में बता रही हूँ, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। पता है, लड़का तो आपको देखते ही बेहोश हो जाएगा। लो, लड़के की बात करी थी और वो आ भी गया। अच्छा बात सुने, मैं देखने जा रही हूँ, अब्बा ने बहुत तारीफें की थी, देखूं है कैसा। नहीं रुको, तुम मेरे साथ जाओगी ना? अरे बेटा, तुम लोग यहाँ खड़ी हो, चलो किचन में जाओ, जल्दी से चाय लेकर आओ। चलो शाबाश। प्रभा बेटा, माशाल्लाह तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। जो खूबियाँ अच्छे रिश्ते में होनी चाहिए ना, वो सारी मौजूद है इन लोगों में। आगे अल्लाह तुम्हारे नसीब और अच्छे करे। चलो शाबाश, चलो चलो ना, तुम भी खड़ी होगी। चलो। वैसे भाभी, अब आप देर मत कीजिएगा, वैसे शिराजी है ना, इन्होंने रिश्ता लाने में वैसे बहुत देर करा दी है। और मैं तो चाहती हूँ पहले घर में बहू आ जाए, इसके बाद में बेटियों की शादी करूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाभी आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मैं भी यही चाहती थी, बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहती थी जो चांद की तरह हो। सुन लिया, देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। अब जाइए आसमान से शहजादा लेकर आइए अपनी लाडली के लिए। यहाँ रहती है वो? यहाँ इस घर में? रबा, तोबा तोबा, नहीं नहीं, मैं हरगिज़ नहीं उतरूंगी। तुम किस किस्म की माँ हो जाहर, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। अरे तुम्हें उन लोगों की फिक्र है जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है तुम्हें? ठीक है अंकल, अब मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने पहले भी उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना प्यार ना ममता। शी इज जस्ट अ बिजनेस वुमन।